नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी स्थल भर रोहतक हरियाणा। टुडे आई विल डिस्कस विद यू अबाउट शिजोफ्रेनिया एंड इट्स मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू माई सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर टाइप सेटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। शिजोफ्रेनिया ये एक ऐसी सिचुएशन है इन विच द पेशेंट सफर्स फ्रॉम हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन, ही हैज़ डिस्टर्ब्ड बिहेवियर, हिज थिंकिंग इज डिस्टर्ब्ड एंड स्लोली स्लोली ही विड्रॉज फ्रॉम द सोसाइटी। ही डज नॉट लाइक एनीबडीज कंपनी, ही वांट्स टू सिट अलोन। अगर हम इसको शिजोफ्रेनिया को समझना चाहें तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेशेंट जो सोचता है वो देखता है, दैट थिंग इज़ नॉट एक्चुअली हैपनिंग, बट लेकिन उसकी सोच के हिसाब से वो चीज़ हो रही होती है। जैसे एक कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी संजय दत्त की, मुन्ना भाई, सेकंड जो पार्ट था, उसमें उसको गांधी जी दिखते हैं। अब और किसी को नहीं दिख रहा, कोई गांधी जी को नहीं देख पा रहा है, गांधी जी नहीं दिख रहे किसी को, लेकिन उसको दिख रहे हैं। एंड ही इज़ टॉकिंग विद हिम, हिज कम्युनिकेशन इज बोथ वे, मतलब वो गांधी जी से कुछ पूछ रहा है, गांधी जी उसको जवाब दे रहे हैं, लेकिन गांधी जी किसी और को नहीं दिख रहे। तो दैट सिचुएशन इज जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि भी शिजोफ्रेनिया है, हेलुसिनेशंस होती हैं उसको। उसको लगता है कि कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है जो उसके पास है, वो उसके पास बैठा हुआ है, वो उससे बातें कर रहा है, बट जो उसके साथ दूसरे लोग हैं उनको वो व्यक्ति या वो चीज़ नहीं दिखती। तो धीरे धीरे जो हालत है वो उसकी इतनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि दूसरे लोगों को वो चीज़ें जो वो इमेजिन कर रहा है, जो वो सोच रहा है, वो नहीं दिखती। तो धीरे धीरे वो उसको दूसरे लोग समझाते हैं, लेकिन वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाती है, और वो फिर दूसरे लोगों को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो उसकी बात को मानते नहीं। वो कहते भाई यहाँ कोई है ही नहीं, तो किससे बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो दैट इज़ द एग्जैक्टली वट इज़ शिजोफ्रेनिया। रिस्क फैक्टर्स जो शिजोफ्रेनिया के हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, पेरेंट्स से हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो ये शिजोफ्रेनिया के होने के ये दो रिस्क फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से शिजोफ्रेनिया हो सकता है। आइए इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं। तो इसके लिए जो ड्रग्स हैं यूज़ करते हैं वो होती हैं, उनको हम कहते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। इसमें दो जनरेशन्स हैं, एक तो फर्स्ट जनरेशन है जो इनिशियली आई मार्केट में दवाइयाँ, उसमें क्लोरप्रोमाजीन है, हेलोपेरिडॉल है, और भी कई सारी दवाइयाँ हैं। मेनली ये ड्रग्स जो थी ब्लॉक करती हैं ब्रेन में D2 डोपामिन रिसेप्टर, मतलब डोपामिन रिसेप्टर्स टाइप 2 D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके अपना एक्शन दिखाती हैं। फिर आई न्यू जनरेशन यानी कि सेकेंड जनरेशन, क्लोजापीन और दूसरी ड्रग्स थी। जो क्लोजापीन है ये जो डोपामिन टाइप 2 रिसेप्टर्स हैं उसको तो वीकली ब्लॉक करती है, मतलब कमजोर, मतलब स्ट्रांगली उसको उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं कर पाती, लेकिन ये अपना एक्शन जो है डोपामिन टाइप 4 D4 और 5-HT 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन रिसेप्टर्स के ऊपर कंबाइन करके अपना एंटीसाइकोटिक एक्शन दिखाती है। इससे पेशेंट को काफ़ी, इन ड्रग्स से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो डॉक्टर जो है उसकी कंडीशन के हिसाब से, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कोई भी ड्रग लिख सकता है, डोज वगैरह उसी हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से लिखते हैं। लेकिन सिर्फ दवाई ही कामयाब नहीं रहती,
दवाई के साथ साथ हमारे को पेशेंट को जो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है जो डॉक्टर देते हैं। साथ में वो जो पेशेंट है, क्योंकि वो फैमिली के साथ फैमिली की बात ज़्यादा सुनते हैं, तो फैमिली को एजुकेट करते हैं डॉक्टर के किस तरह से उसको मैनेज करना है, उसको रिजेक्ट नहीं करना, उसको बड़े ही प्यार से बड़े ही पेशेंस के साथ सपोर्ट करना है। और क्योंकि इट विल टेक टाइम, इट इज़ नॉट ओवर नाइट है कि भाई एंटीबायोटिक की तरह दवाई खाई 4-5 दिन में ठीक हो गया आदमी, नहीं, जो है लंबा इलाज चलता है। तो उसमें जो है पेशेंट को फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो फैमिली को पूरी सपोर्ट देनी चाहिए। दवाइयाँ तो अपना असर करेंगी, दवाई ड्रग्स विल टेक इट्स टाइम। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब ड्रग की ट्रीटमेंट से उसमें इम्प्रूवमेंट दिखे, उसके बाद उसका सोशल और रोजगार संबंधित ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन जो है पेशेंट का बहुत ज़रूरी है। उसमें भी फैमिली की सपोर्ट चाहिए, जहाँ वो काम करता है वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट हो जो कि फ्रेंडली हो, जहाँ पे लोग उसको मतलब एक्साइट ना करें, उसको जो है छेड़ें नहीं, मतलब इस तरह से जो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी है ड्रग्स के साथ। सो दैट्स ऑल अबाउट द शिजोफ्रेनिया एंड इट्स मैनेजमेंट। अगर आप और कुछ पूछना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इन द एंड आई एम थैंकफुल टू माय सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर टाइप सेटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।